अगर कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर हर एक इंसान परेशान दिख रहा है। परेशानी का सबब मालूम नहीं, लेकिन कोविड-19 के बाद जो हालात बने हुए हैं उसने यहाँ पर पेरेंट्स की मुश्किलात में इजाफा किया है। अगर यहाँ पर पेरेंट्स जो जिनके बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। बर्डन इस लिहाज से है कि उनसे बहुत सारे पैसे ऐटे जाते हैं स्कूलों के ज़रिए, उसमें खासकर अगर हम एनुअल चार्जेस की बात करेंगे। ये एनुअल चार्जेस होता क्या है ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन पेरेंट बिल्कुल इसको भरता है। उसमें बताया जाता है कि ये मिसलिनियस चार्जेस होते हैं। मिसलिनियस चार्जेस क्या है, जब हमने पेरेंट्स से यहाँ पर बात की तो उन्होंने बताया कि ये पता नहीं है, मेंटेनेंस के चार्जेस लिए जाते हैं। मेंटेनेंस किस बात के है, स्कूल उनका है, स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के हम फीस अदा करते हैं, लेकिन एनुअल चार्जेस के थ्रू एक बड़ी रकम जो है यहाँ पर पेरेंट्स से हासिल की जाती है। ये एक स्कूल की बात नहीं है, ये हर एक स्कूल की बात है। पहले ज़माने में खाली हम प्रिंटिंग चार्जेस अदा करते थे, लेकिन आजकल के दौर में एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस, एक्टिविटी चार्जेस और बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो अभी पेरेंट्स के लिए बर्डन माना जाता है। पेरेंट्स जाए तो जाए कहाँ, एक पेरेंट से हमने बात की, प्राइवेट मुलाजिम है और प्राइवेट मुलाजिम 20,000 की तनख्वाह ले रहा है और 4,500 उनको अभी मिसलिनियस चार्ज यानी कि एनुअल चार्जेस भरने पड़े, उसमें ट्यूशन फीस भी उसको अदा करना है, तो घर का गुजारा क्या वो 10,000 पर चला सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से हमने बात की जिनका कहना है कि हम जाए तो जाए कहाँ। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट तो कुछ इनिशिएटिव नहीं कर रहा है, अब पेरेंट्स को ही चाहिए कि एक ग्रीवेंस सेल तैयार करें, जो पेरेंट्स ग्रीवेंस सेल में अपनी एप्लीकेशन डालें और वो खुद स्कूलों से बात करें। पिछले कई एक सालों से हम देख रहे हैं कश्मीर में टर्माइल टू टर्माइल चल रहा है, जिसमें सबसे पहले एब्रोकेशन हुआ उसमें भी काफ़ी बंद रहा, उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 हुआ, लेकिन अगर इकोनॉमी देखेंगे कश्मीर की काफ़ी ज़्यादा पस्त है। उसमें स्कूल फीस तो पेरेंट भरता है, लेकिन एनुअल चार्जेस अब मांगे जाते हैं, ह्यूज अमाउंट बनता है, उस पर क्या कहेंगे एज ए पेरेंट आप? एज ए पेरेंट मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे जो एनुअल चार्ज लेते हैं हमें फोर्स किया जाता है एनुअल चार्ज देने के लिए। वो सारा अप्रोच हमने किया, जो यूनियन ने भी किया, इनिशियली भी हमने अप्रोच किया, मैंने खुद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़ोन किए वो रेस्पॉन्ड नहीं देते हैं। मुझे लगता है मिली वक्त है इनके साथ, इनकी जो ये एनुअल चार्ज भी कर रहे हैं और हमें एनुअल चार्ज देने पर मजबूर करते हैं, तब तक हमें बहुत सारा असॉल्ट किया जाता है कि तब तक हमें रिजल्ट नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है जब तक आप एनुअल चार्ज पे नहीं करोगे। बहुत सारे तंग करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने जो बच्चों के सेविंग में से उठाते हैं वो पैसे वहाँ पे वो पे करते हैं, वो मजबूर होते हैं वहाँ पे करने के लिए, और वो एनुअल चार्ज के हिसाब से हमारे बच्चों को वो प्रोवाइड फैसिलिटी नहीं करते जो उनको चाहिए उनमें। चलिए मैं नहीं बताऊंगा कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, हो सकता है कि उनके साथ में फिर थोड़ी सी लग्जिश हो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। तो वहाँ पर कितना आपसे एनुअल चार्ज एक बच्चे का मांगा जाता है और किस क्लास का? मेरे बच्चे हैं वो एक UKG में पढ़ता है, उसको भी 4500 रुपीज़ लेते हैं। 4500 यानी कि 4500 4500 रुपीज़ लेते हैं, मगर उस तरह की प्रोवाइड सर्विस नहीं की जाती है जो वो बोल रहे हैं हमें। मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ जिस वजह से हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। जो वहाँ कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी है 20,000 रुपीज़। 20,000, उसमें करीब करीब अगर फीस मिला के और एनुअल चार्जेस है उसमें 10,000 तक तो वही कट जाता है, खर्चा हो जाता है। और जो वहाँ पे उनको सर्विस करनी है जैसे असाइनमेंट्स है हमें खुद ऑफिस से वो प्रिंट आउट करने निकालता है, अगर मैं उनका हिसाब करता हूँ 100-150 रुपये मतलब हर महीने बच्चे के पास वो कट जाते हैं, वो फैसिलिटी नहीं होती है। एग्जाम के दौरान अगर पेन नहीं होगा, पेंसिल नहीं होगा, वो भी हमें प्रोवाइड करना अप्रूव करना पड़ता है। स्कूल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। तो स्कूल वालों के पास आप गए, आपको उन्होंने आपने बताया उनको कि हम ये क्यों पे करें और किस लिए ये पे करें, जबकि हम ऑलरेडी जो प्रिंटिंग चार्ज या बाकी चीज़ें होती है, होता क्या है ये एनुअल चार्जेस, कौन से चार्जेस मांगे जाते हैं? एक्चुअली हमने बोला था स्कूल वालों से ये क्या ये चीज़ किस चीज़ की है, तो क्या देखे अब ऐसा है कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट मुलाजिम भी है वो इतना टाइम नहीं दे सकते, नहीं अफोर्ड की बात नहीं है वहाँ पे, वो उनके साथ अब बहस नहीं कर सकते, यानी कि दिन उनके साथ नहीं बैठ सकते किस लिए है। वो कहते हैं आप खुद मालूम करो, वहाँ मालूम कहाँ करें, वहाँ पे डिपार्टमेंट है ही नहीं कोई हमारे लिए सुनने के लिए। अगर मतलब एरिया वाइज हो या डिस्ट्रिक्ट वाइज हो कोई ऐसी सेल हो जहाँ पे हम अपनी शिकायत प्रोवाइड करें और उसके ऊपर हो, जैसे बाकी चीज़ों पे बाकी चीज़ों पे शिकायतें ऊपर अमल होता है, इसके ऊपर भी होनी चाहिए कि अगर हम जाएंगे वहाँ पे हमारी शिकायत देखें कि सही है कि गलत है और किस लिए, और हमारा वो सुनते नहीं है।
और हमने भी बहुत सालों में देखा है, वो कहते हैं कि अपने बच्चों को सुकून से निकालो। अब क्या अपील करेंगे जो गवर्नमेंट है उनसे, क्या हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं वो कुछ सेल निकाले इसके लिए। अब अगर 5-6 सुकूनों की मतलब जॉइंटली एक सेल हो जिसमें अपने एक पेरेंट्स अपनी एक अपने अपनी शिकायत दर्ज कर पाए वहाँ पर, और वहाँ पर उनकी उनका वो सोल्यूशन हो। और ज़रूरी नहीं है एनुअल चार्ज, इसके बगैर भी स्कूल में अलाउ नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता है टीचर स्कूल किस कैटेगरी के हैं, वो हमसे लेते हैं फीस, हमें पता ही नहीं होता टीचर किस कैटेगरी के होते हैं। हमने आज मैंने बहुत सारा महसूस कर रहा हूँ कि हम जैसे फंस गए हैं इनमें से। हम खुद करते हैं स्कूल भेजने के बजाय हम खुद घर में ही उनका बहुत कुछ करना, ट्यूशन भी भेजना पड़ता है, ट्यूशन भी और घर में भी करना पड़ता है। जी सर, हमारे बच्चों से भी ले लिए हैं अनुअल चार्जेस, वो बोलता है ले लेता है फीस के साथ। कितना भरा आपने? 15,000। 15,000। तो ये मुझे बताइए कि ये बर्डन नहीं है एक पेरेंट के लिए कि एनुअल चार्जेस भी भरिए, प्रिंटिंग चार्ज भी, उसके साथ में जो ट्यूशन फीस है वो भी, बस फीस है वो भी, ये कौन से चार्जेस है? क्या आपने ये पता किया कि ये एनुअल चार्जेस होते क्या हैं? ये स्कूल वालों का बिजनेस है, ये लोग ले लेता है। सब पेरेंट्स को एक साथ आना चाहिए और एजुकेशन करना चाहिए। ये बड़ा जुल्म है बच्चों पेरेंट्स के ऊपर जो एनुअल चार्ज लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक तो ट्यूशन फीस, चलो ट्यूशन फीस देना पड़ता है, ठीक है, इसके बाद ऊपर से एनुअल चार्ज, राइट, इतना बड़ा अमाउंट, चलो थोड़ा ले लो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, स्टाफ के लिए, मगर इतना अमाउंट लेना मेरे ख्याल में। तो आपको नहीं लगता है कि स्कूल मेंटेनेंस, बोर्ड, चाक, बाकी जितने भी आज मार्कर आते हैं, जो स्पेसिफिकेटेड बोर्ड्स हैं वो लाए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये भी पेरेंट्स से ही निकाला जा रहा है थ्रू दिस एनुअल चार्जेस? हाँ, ये बिल्कुल सारा पेरेंट्स से निकालता है, जो भी उनको ज़रूरत है चाक बोर्ड एक्टिविटीज़ का अलग ले लेता है बच्चों से। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अब एजुकेशन जो है वो बिजनेस हब में कन्वर्ट हुआ है? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जो एजुकेशन जो है ना वो बिल्कुल बिजनेस हो गया है आजकल। तो क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है यहाँ पर? हमें पेरेंट्स को स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को नहीं? गवर्नमेंट तो लेता ही नहीं कोई स्टेप नहीं लेता है, यानी कि पेरेंट्स को ही इनिशिएटिव करने की ज़रूरत है। इनिशिएटिव करना चाहिए। कैसा इनिशिएटिव होना चाहिए? वो क्या कोई सेल ग्रीवेंस आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, प्रिंसिपल के साथ बात करना चाहिए, हाँ उनके साथ बात करके ये थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। तो ऐसे कहीं एक सवाल आते हैं जिनके हमने भी जवाब यहाँ पर ढूंढने की बहुत सारी कोशिश की थी। डायरेक्टर एजुकेशन से भी हमने वो सवाल पूछे, यहाँ पर सेक्रेटरी एजुकेशन से भी वो सवाल पूछे, लेकिन कहीं से भी मुनसिब या मुस्बत जवाब सामने नहीं आया। फिर दोस्त लाई जानरमानी, जेके न्यूज़ बड़े से मैं।